जिन जहां जहां वोटिंग हो रही है वो तो एक बड़ी चुनौती भी थी, यानी इन छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो कुल मिलाकर के अरेंजमेंट है और जो आज देखने को मिला उससे आगे सबक लेंगे हम, इस पर लौटेंगे अमित आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा के बीच जबरदस्त वोटिंग हुई है। पहले चरण के लिए 4 बजे तक पश्चिम बंगाल में 70% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि असम में 3 बजे तक 62% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जो अपने आप में ये दिखाने के लिए काफी है कि जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके मायने क्या हैं इनको भी जाहिर तौर पर समझने की कोशिश होगी। लेकिन इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि असम में 62%, तो वहीं 4 बजे तक का जो आंकड़ा पश्चिम बंगाल का है 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। झारग्राम से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, झारग्राम जहां की 4 विधानसभा सीटों पर चल रहा है मतदान, जरा वहां से अपडेट चंद्रमोहन, वहां कितना उत्साह और अभी वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है वोटिंग के दौरान? बिल्कुल, देखिए 1.5 घंटे और बाकी है अभी और मतदान लगातार चल रहा है। सुबह में काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिला जब सैकड़ों की संख्या में लोग एकाएक बूथ पर पहुंचे और कतार में खड़ा होकर और फिर मतदान किया। हालांकि अभी जो है वो छिटपुट कर लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि 1.5 घंटे अभी और बाकी है और अभी भी लोग पहुँच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और फिर अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। जाहिर सी बात है यह पहली बार देखने को मिल रहा है झारग्राम में जब किसी तरह की हिंसा की वारदात सामने नहीं आई है, किसी तरह का हंगामा कहीं नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है अभी इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई है और ऐसे में जो लोग भी घर से निकल रहे हैं सीधे बूथ तक पहुंच रहे हैं और फिर वोट करके अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये निश्चिंता की भाव दिख रही है कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है तो उनके साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं हो सकता है। और शायद यही वजह है कि अभी तक 70% मतदान हो चुका है और जब 6:30 बजे मतदान खत्म होगा उसके बाद यह फिगर सामने आ पाएगा कि कितना प्रतिशत जा रहा है। लेकिन जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है इससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि लोगों के मन में उत्साह है और सुबह से ही, सुबह अगर 6 बजे की बात करें तो उसी समय लोग बूथ पर पहुंच गए थे और 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। 1.5 घंटे का वक्त बाकी है और अभी मतदान जारी है, लोग धीरे धीरे बूथ की ओर पहुंच रहे हैं और फिर बिल्कुल ये बंपर वोटिंग 1.5 घंटे का वक्त अभी और मतदान बढ़ेगा। आशिका आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर कई इलेक्शन देखे, आप लगातार देखती रही और सबसे बड़ी बात तो है कि जिन 5 जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, अगर हम पश्चिमी मेदिनीपुर को छोड़ दे तो बाकी जो जिले हैं वो जंगल महल के इलाके हैं, नक्सल प्रभावित पूरा एरिया, यहाँ पर चंद्रमोहन भी बता रहे हैं अमित भी बता रहे हैं छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें कुल मिलाकर के मतदान शांतिपूर्ण तरीके से रहा, कितनी बड़ी चुनौती थी ये चुनाव आयोग के लिए यहाँ पर इस तरीके से इलेक्शन कराना और ऊपर से 70% बंपर वोटिंग। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसके पहले लोकसभा चुनाव में हमने खुद देखा है, हमारी गाड़ी को तोड़ा गया है, हमें दौड़ाया गया है मानने के लिए। इस बार जो चुनाव हुआ है वो उसके मुकाबले तो काफ़ी शांत था, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बंगाल में चुनाव और हिंसा की कोई भी तस्वीर सामने ना आए। तो तस्वीरें कई हिंसा की सामने आई हैं और जो बड़ी चुनौती है अगले जो कई फेस हैं उनको शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के लिए, तो सेंट्रल फोर्सेस की मांग जैसा कि बीजेपी पहले से करती आई है कि वो करनी पड़ेगी सभी जगह और बढ़ाना पड़ेगा, तो इस पर आज भी मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। इस मांग पर क्या होता है आगे और साथ ही क्योंकि ये तो 30 विधानसभा सीटें हैं और दूसरे चरण में भी 30 विधानसभा सीटें, लेकिन आगे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे तो विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और ऐसे में और बड़ी चुनौती हो जाती है कि शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो। हम लौटेंगे।